तो भाई लोग, बहुत सारे लोग यहाँ पे कमेंट करके पूछ रहे हैं कि भैया नेक्स्ट मैजिक क्यूब में अपडेट कौन सा आने वाला है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को वही सारी चीजें बताने वाला हूँ। एंड यार, साथ ही साथ हम लोग टू नाइट अपडेट के बारे में बात भी कर लेंगे। बिल्कुल हो सकता है भाई लोग, क्योंकि ना आज की वीडियो बहुत से भी ज्यादा तगड़ी होने वाली है। तो आप लोगों से बस छोटी सी रिक्वेस्ट होगी गाइस, आप लोग ना वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना, क्योंकि अगर लास्ट तक नहीं देखोगे भाई साहब मजा खराब हो जाएगा ना। उसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा यार आने वाले यहाँ पे चक्री के बारे में। तो भाई ये चक्री बोले यार, इसको क्या बोल सकते हैं गाइस, आप लोग बताना यार मुझे कमेंट सेक्शन में। भाई मैं तो इसको चक्री बोलने वाला हूँ यार। और भाई इसके साथ एक इमोट भी आने वाला है, जिसको भी मैंने आप लोगों को पहले दिखा रखे हैं। एंड यार बहुत सारी अपडेट्स आने वाली है, तो भाई साहब एक एक करके मैं सारी चीजें बताने वाला हूँ। उसके साथ साथ मैं आप लोगों को ब्लैक जर्सी एंड व्हाइट जर्सी के बारे में भी बताऊंगा कि भैया बाहर के सर्वर पे तो ये आ चुका है, लेकिन गाइस अभी तक ये हमारे इंडियन सर्वर पे क्यों नहीं आया है भाई, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को अपडेट्स दे दूंगा आज की वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना गाइस। और जो भी चैनल पे नए आ गए हो, फटाफट गाइस क्या करना है आपको पता है गाइस, वीडियो को लाइक करना है गाइस, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल नोटिफिकेशन को याद से ऑल पे सेट करना है, ताकि जैसे ही मैं कोई भी वीडियो डालूं आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सको। तो हम लोग आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं आने वाले एक न्यू इमोट के बारे में, जो कि यहाँ पे बताया ये जा रहा है गाइस कि आप सभी लोगों को फ्री में मिलने वाला है। तो कैसा इमोट होने वाला है, तो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ गाइस। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस इमोट को, और गाइस ये वाला इमोट का नाम भाई साहब आप लोगों को पता है गाइस, हमारा एक मूवी है गाइस ट्रिपल आर, उसका यहाँ पे नाटू नाटू जो सॉन्ग है गाइस उससे यहाँ पे इंस्पायर लिया गया है इस इमोट के लिए। और भाई मेरे को पर्सनली बता रहा हूँ भाई, एकदम जहर वाली फीलिंग आ रही है, मतलब कि मजा आ जाएगा गाइस इस इमोट को देखने के बाद, एकदम फील आएगा गाइस कि आप लोग गेम नहीं भाई ये आरआर वाला मूवी देख रहे हो। भाई मेरे को तो बहुत अच्छा लगा है, बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना गाइस कि आप लोगों को क्या लगता है। देन आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं गाइस 5th एनिवर्सरी के शूटिंग स्टार्ट के बारे में। एंड यार आपको पता है 5 अगस्त से ही, यानी कि आज से ही आप लोगों को चीजें ऐड होती हुई दिख जाएंगी धीरे धीरे, ठीक है। साथ ही साथ आप लोगों को यहां पे न्यू मैप भी देखने को मिल सकता है, जो कि OB47 अपडेट्स के अंदर दिखाया जा रहा है। हो सकता है गाइस आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, कंफर्मेशन नहीं है भाई लोग, तो मैं आप लोगों को कंफर्म नहीं बता सकता। इसके साथ हम लोग आगे चलते हैं, बात करते हैं गाइस आने वाले यहां पे और डबल सिक्योरिटी के बारे में। तो आपको पता नहीं होगा भैया, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं गाइस, अभी जो गेम का आप लोग आईडी होता है गाइस, वो आप लोग किसी एक भी प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट कर सकते हो, यानी एक ही के साथ कनेक्ट कर सकते हो। यहां बहुत सारे लोगों का फेसबुक से होगा, बहुत सारे ट्विटर, बहुत सारे गूगल से ही कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन गाइस इन फ्यूचर आप लोग क्या कर सकते हो, मल्टीपल, जी हां बिल्कुल सही सुन रहे हो, मल्टीपल अकाउंट कनेक्ट करके रख सकते हो गाइस। यानी कि आप लोग फेसबुक तो कनेक्ट करोगे ही, साथ ही साथ आप गूगल या फिर ट्विटर से भी यहां पे कनेक्ट करके रख सकते हो, ताकि आप लोगों को एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देखने को मिले। उसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे गाइस आने वाले यहां पे वॉचिंग रिवॉर्ड के बारे में, जो कि गाइस यहां पे 2021-22 में मिला करता था हम लोगों को, 2021 में एक्चुअली, ठीक है। तो भैया यहां पे आप लोगों को लाइव वॉचिंग रिवॉर्ड भी देखने को मिल सकता है भाई लोग। अब किसके बारे में, तो आपको पता नहीं होगा, दुबई में गाइस यहां पे एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट चल रहा है, आपको अच्छे से पता नहीं होगा तो मैं बता रहा हूं भाई लोग, और मैंने इससे रिलेटेड आप लोगों को पहले अपडेट दे रखे हैं, अगर आप लोगों ने पहली वाली वीडियो देख रखी होंगी तो आपको पता होगा। और गाइस मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, यहां पे फ्री फायर इंडिया से रिलेटेड भी एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज निकल के आ रही है कि बहुत जल्द हमारा फ्री फायर इंडिया भी लॉन्च हो सकता है, यानी सितंबर अक्टूबर में देखने को मिल सकता है गाइस, विद इन 1 वीक गाइस यहां पे गुड न्यूज आने वाली है। अभी देखो यार ये सिर्फ और सिर्फ लीक्स है, तो मैं आप लोगों को कंफर्मेशन नहीं देना चाहता हूं। बाकी आप लोग में से कौन कौन चाहता है गाइस कि फ्री फायर इंडिया हमारा वापस आ जाए, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि यार मैं तो सच्ची बता रहा हूं, यार दिल से बता रहा हूं, मैं तो चाहता हूं गाइस कि हमारा फ्री फायर इंडिया जो है ना वो जल्दी से जल्दी लॉन्च हो जाए। इसके साथ आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं गाइस आने वाले फार्मास की स्किन के बारे में, जो कि गाइस एकदम ब्लैक लावा पे बेस है, ठीक है। अभी यहां पे इसका नाम ही ब्लैक लावा रखा गया है, देखने में कतई जहर लग रही है भाई, सुपर वाला गाइस यहां पे फील आ रही है। और भाई साहब इसके साथ साथ और भी चीजें रखी गई हैं, इन चीजों को देखते जाओ गाइस, और इसकी एबिलिटी वगैरह तो मेरे को काफी ज्यादा ऑसम लग रही है भाई लोग। और यहां पे ये वाला पैन, जैसा कि मैंने आप लोगों को कल दिखाया था भाई, तो ये वाला पैन भी आप लोगों को रिटर्न देखने को मिलने वाला है, जो कि यार पिछले साल मतलब कि लास्ट 3 ईयर से आ रहा है भाई, और भाई मेरे को पर्सनली काफी ज्यादा पसंद आया। इसके साथ आगे चलते हैं, बनी बंडल के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं यार, क्योंकि भाई बहुत सारे लोग पूछ रहे थे भैया
बनी मंडल अभी तक आया क्यों नहीं है? भाई आपने तो बहुत पहले ही बोला था आया क्यों नहीं। तो गाइज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा इसकी बनी मंडल जो है ना गाइज बाहर के सर्वर पे आ चुका है। जी हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हो गाइज, मैंने आप लोगों को बताया था गाइज और बनी मंडल आ भी चुका है। तो गाइज जो भी बाहर के सर्वर पे देखते हैं ना भाई, बीडी सर्वर, नेपाल सर्वर यार, ब्राजील वगैरह से देखते हैं भाई लोग, तो उन लोगों के लिए तो भाई चकदे फट्टे हो गया भाई, बहुत बढ़िया है। मतलब जो अपडेट देता हूँ आ ही जाता है, लेकिन गाइज हमारे इंडिया वालों के लिए भाई बहुत बुरा होता है, क्योंकि यार वो अपडेट्स गाइज 50-50 होता है भाई और थोड़ा सा मिसकंसेप्शन हो ही जाता है, तो क्या कर सकते हैं। बट यार इससे रिलेटेड अभी न्यूज़ निकल के आ रही है भाई लोग कि ये आप लोगों को विथ इन 2 वीक देखने को मिलने वाला है। हो सकता है गाइज 1-2 दिन में ही आ जाए, लेकिन यार मुझे थोड़ा सा डाउट है। क्यों डाउट है वो भी बता देता हूँ भाई लोग, क्योंकि गाइज यहाँ पे पहले ही ऐसे ऐसे इवेंट चल रहे हैं जो बहुत ज़्यादा डायमंड कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो गरीना अभी नहीं चाहेगी कि यार हम अभी इस इवेंट को दे दें और ताकि हम लोग डायमंड लूट ना पाएं, तो भैया इस वजह से मेरे को ऐसा लग रहा है। बाकी देने का तो भाई कभी भी दे सकते हैं, बाकी मैं आप लोगों को सच्चाई ही बताना चाहूंगा गाइज, जो कि होगा कि भैया यहाँ पे 2 वीक तो लग ही जाने वाला है। बाकी फेक यूट्यूबर्स की तरह तो नहीं बता सकता हूँ गाइज कि हाँ भैया कल आने वाला है, परसों आने वाला है, बाकी आए या ना आए उसको कोई मतलब नहीं है गाइज, व्यूज ले लिया चल गया। लेकिन भाई मैं ऐसा कुछ नहीं करता यार, जो भी होता है मैं सच ही बताने की कोशिश करता हूँ। हाँ गाइज थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, उसके लिए मैं फिर से पहले ही सॉरी बोल देना चाहता हूँ गाइज कि यार देखो सारी चीजें हम लोग जैसा चाहते हैं वैसा हो नहीं पाता। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं ब्लैक जर्सी के बारे में। तो यार देखो ब्लैक जर्सी के साथ साथ यहाँ पे एंजेलिक के पैंट भी आने वाले हैं। तो यहाँ पे गाइज गरीना ने ये सोचा कि भैया एक एक करके जो देते हैं गाइज उससे बढ़िया ये होगा कि हम लोग सारे बंडल्स और सारी चीजें जो है गाइज यहाँ पे ब्लैक जर्सी, व्हाइट जर्सी एंड यार एंजेल के पैंट्स, ठीक है, एंजल वाले पैंट, एंजल वाले ग्लोबल वगैरह, एंजल वाले जूते वगैरह जो भी है गाइज वो सारी चीजें एक साथ ही दे दिया जाए। तो भैया उन लोगों को ना ऐसा लगता है कि भाई हम लोग एक करके आएगा तो नहीं लेंगे, ऐसा लगता है गाइज इस वजह से, है ना। तो भाई ये चीज भी काफी ज्यादा अच्छी लग रही है भाई मेरे को, क्योंकि गाइज अगर सारी चीजें अगर दे देते हैं ये लोग तो भाई बहुत ज्यादा अच्छी बात होती है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो भाई मिल ही जाएगा, ठीक है। और यार आपको पता है गाइज कि ज्यादा चीजें होती हैं तो आपको मिलने के चांसेस भी ज्यादा बढ़ जाते हैं, और बाई चांस अगर यार एक या दो चीज आता है भाई बहुत ज्यादा दिक्कत होता है कि भाई उसी को निकालना है यार। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को इतने सारे बंडल्स देखने को मिल जाएंगे ना कि क्या ही बोले, एक्चुअली बंडल्स तो नहीं बोलेंगे, अलग अलग हुडीज, टी शर्ट और भाई पैंट शर्ट, क्या बोल रहा हूँ यार, मैं ये बकलोली कर रहा हूँ भाई आज, क्या ही बोलूँ गाइज, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा आज लिटरली गाइज। यहाँ पे इतनी सारी चीजें देखने के बाद तो भाई मेरा दिमाग ही काम करना बंद कर दिया भाई, ये सच में ये सारी चीजें आने वाली है। तो बिल्कुल सही सुन रहे हो गाइज, सच में आने वाली है। तो चलो हंसी मजाक अपनी जगह, आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं टी शर्ट्स के बारे में। तो गाइज यहाँ पे टी शर्ट एंड शॉर्ट्स में आप लोग को देखने को मिलेगा जो कि गाइज फुटबॉल वाले होने वाले हैं, जो कि काफी तगड़ा लग रहा है गाइज, लिटरली देखने में काफी ज्यादा औसम है। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना गाइज कि आप लोगों को कौन सा वाला सबसे ज्यादा पसंद है। मेरी पसंद अगर मैं बताऊं तो गाइज यहाँ पे जो ये ब्लू के ऊपर वाला है ना, जिसमें ब्लू और व्हाइट का लाइनिंग देखने को मिल रहा है, वो मुझे पर्सनली काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। एंड यार लिटरली गाइज इन सारी चीजों को देखने के बाद तो भाई साहब मुझे तो लगता है गाइज कि आज के आज आ जाए और मैं कल के कल सारी चीजें निकाल लूं, ठीक ठाक लग रहा है भाई। बाकी आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में आप लोगों को कैसा लगा है। आगे चलते हैं, बात करते हैं गाइज आने वाले 30% ऑफ डिस्काउंट इवेंट के बारे में, जिसमें आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा। तो गाइज गन स्किन के जो टोकन्स होते हैं, जो ईवो टोकन्स होते हैं, उनमें आप लोगों को डिस्काउंट देखने को मिल सकता है, वो भी 30% का। अभी आप लोग बॉक्सेस खोलते होंगे गाइज, आपको पता है बहुत सारे लोग बॉक्सेस खोलते हैं, बहुत सारे लोग नहीं खोलते हैं। जिनके पास ईवो गन्स है गाइज उनको तो जरूरत पड़ती है, जिनके पास नहीं है भैया उनको खोलने की कोई जरूरत है नहीं। बाकी आप लोग बताना गाइज कि आपके पास कौन कौन से ईवो गन्स हैं या फिर कितने ईवो गन्स हैं, ठीक है। मतलब मेरे पास तो एक भी नहीं है, तो आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में आपके पास कितना है। आगे चलते हैं, बात करते हैं गाइज वीकली शेड्यूल इंडिपेंडेंट डे के बारे में। तो यहाँ पे आप लोगों को वीकली शेड्यूल 10 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, जो कि 17 तारीख तक यहाँ पे जाने वाला है। इसके अंदर आप लोगों को क्या कुछ देखने को मिल सकता है भाई? तो भाई लोग यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गाइज, एक यहाँ पे टट्टी मिल रही है, दूसरा यहाँ पे बैट मिल रहा है, और तीसरा बहुत ही ज्यादा ऑसम वाला इमोट मिल रहा है। इन तीनों चीजों को छुड़ा के गाइज और भी चीजें यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है। तो यार वो चीजें सारी चीजें ना वो फेक नहीं होने वाली है, वो आप लोगों को देखने को मिलेगा रियलिटी, ठीक है, सच में आप लोगों को देखने को मिलेगा, फेक नहीं है भाई। और यहाँ पे ये इमोट गाइज यहाँ पे फ्री में दिया जाने वाला है, ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है, लिटरली गाइज ये एकदम बेस्ट इमोट है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूंगा गाइज कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट डे को विश भी करने वाला है, हो सकता है गरीना, लेकिन गाइज पिछले साल विश नहीं किया तो भाई साहब बहुत ज्यादा बवाल भी खड़ा हुआ था, आपको पता ही होगा, और इस बार देखो गाइज विश होगा, ठीक है। तो चलो भाई लोग इसके साथ हम लोग आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं गाइज आने वाले गाइज यहाँ पे मैजिक क्यूब अपडेट के बारे में। बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछ रहे भैया मैजिक क्यूब में अपडेट कब आने वाला है, कौन सा आने वाला है, कैसा आने वाला है।
तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यहाँ पे क्यूट क्यूट से कुछ बंडल्स यहाँ पे ऐड होने वाले हैं। तो आप लोग को मैं दिखा देता हूँ गाइज ये सारे बंडल्स जो कि यहाँ पे अपकमिंग दिनों में ऐड हो सकते हैं। गाइज अभी मैं आप लोगों को कुछ बंडल्स दिखा रहा हूँ जो कि कुछ बंडल्स में आप लोग दो तीन मेल का समझ लो और दो तीन फीमेल का। बाकी ये वाला बंडल भाई देख के तो क्या ही बोले गाइज, मेरे पास शब्द नहीं बचते हैं भाई लोग। इस बंडल में भाई ये चोटी देख रहे हो, क्या बात है, ओपी गाइज। ये वाला बंडल भी काफी ज्यादा अच्छा है, साथ ही साथ इसका फीमेल बंडल भी मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है। बाकी यहाँ पे देख सकते हो गाइस मेरे को तो ठीक ठाक लगा है, आप लोग ही कमेंट सेक्शन में बताना गाइस कि ये बिल्ला चूहा वाला मतलब चूहा वाला बंडल कैसा लगता है। बाकी बंडित बंडल के आने के चांसेस हैं पूरे भाई लोग, बहुत सारे लोग कमेंट करके बंडित बंडल के बारे में पूछ रहे थे भैया, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा बंडित बंडल जोकर बंडल भी आने के चांसेस है, मेल एंड फीमेल दोनों आएगा। तो भैया आपकी पसंद है, आप मेल को पसंद करते हो तो मेल को निकालना, फीमेल को पसंद करते हो फीमेल को निकाल सकते हो। बाकी टॉप गेमर वाला बंडल भी यहाँ पे ऐड हो सकता है, इसके चांसेस है गाइस, क्योंकि यार देखो जो पुराने बंडल्स हैं गरीना ये बोल रहा है कि गाइस ये बहुत ज्यादा पुराने बंडल्स हैं एंड यार बहुत दिनों तक गाइस यहाँ पे मैजिक क्यूब के अंदर पड़े हुए थे, बहुत सारे लोगों ने इन बंडल्स को निकाला था, बहुत सारे लोगों ने यार चूक गए होंगे जिसमें से आप भी हो सकते हो और मैं भी था भाई, मैं तो ऑब्वियसली मैं था। तो भाई ये बंडल्स मैं निकाल नहीं पाया क्योंकि अगर निकाल लेता भाई तो अभी तो रोना नहीं पड़ता, लेकिन क्या कर सकते हैं रोना ही पड़ेगा ना गाइस, क्योंकि गाइस ये सारे बंडल्स आप लोगों को अपकमिंग दिनों में यहाँ पे रिटर्न में देखने को मिल सकते हैं और भाई काफी ज्यादा ऑसम वाले बंडल्स हैं। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना गाइस कि आप लोग कौन से बंडल का वेट सबसे ज्यादा कर रहे हो। बाकी यहां तक की सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी है, फिर भी आपके डाउट रह जाते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना, आप जरूर पूछना गाइस, और यार कुछ भी डाउट्स वगैरह रह जाते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछा करो। बाकी मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय, लव यू गाइस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। नए हो तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो भाई लोग, फ्री है यार, पैसे नहीं लगते, सब्सक्राइब जरूर से कर देना। लव यू गाइस एंड गुड बाय।